अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और आप उसे क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। सभी बैंकों का क्लोजर फॉर्म आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। आप उसे फिल करके एक आईडी प्रूफ लगा के अपने बैंक में यानी ब्रांच में सबमिट करेंगे तो आपके बैंक को क्लोज कर दिया जाएगा। अगर आपका ब्रांच दूर है या फिर किसी कारण से आप अपने ब्रांच में नहीं जा सकते हैं तो बाई पोस्ट भी आप इस फॉर्म को सेंड कर सकते हैं, इससे भी आपके बैंक अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। अगर आपके बैंक में बैलेंस है यानी आप उसे निकालना चाहते हैं तो आप बाई कैश या फिर बाई चेक भी उसे निकाल सकते हैं या फिर किसी भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके पास पासबुक हो, आपका बैंक का डेबिट कार्ड हो या फिर चेकबुक हो तो उसे आपको डिस्ट्रॉय करना होगा या फिर आप अपने बैंक में ही सबमिट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी बैंक के क्लोजर फॉर्म को डाउनलोड कैसे करेंगे और उसे कैसे फिल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हैं टेकमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक ब्राउजर ओपन करेंगे और आपको ब्राउजर में टाइप करना है अकाउंट क्लोजर फॉर्म। जैसा ही आप अकाउंट क्लोजर फॉर्म यहां पे टाइप करेंगे उसके बाद अगर आप जिस भी बैंक अकाउंट को अपने लिए क्लोज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे HDFC बैंक को क्लोज करना चाहता हूं तो मैं बगल में यहां पे HDFC बैंक यहां पे लिख दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पहला जो लिंक ओपन होगा उस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसे प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करके आपको इसे कुछ इस तरह फिल कर लेना है। आपको यहाँ पे अपना डेट डाल लेना है, उसके नीचे जब आएंगे तो आप अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम भर लेंगे। उसके नीचे आएंगे तो आप अपने लिए प्रोडक्ट चूज करेंगे यानी आप किस अकाउंट को यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, लोन अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे टिक करना होगा। उसके बाद अगर आप अपने लिए क्रेडिट कार्ड को भी क्लोज करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे टिक करना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका अगर सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपके अकाउंट में पहले से कुछ बैलेंस है और आप उसे निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मीडियम चूज करना होगा। आप कैश के माध्यम से निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। अगर आप चेक के थ्रू निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। और आप उसी पैसे को दूसरे HDFC बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट फिल करना होगा, आपका अकाउंट नंबर, आपका ब्रांच, IFC कोड और आपका बैंक का एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना होगा। नीचे दोस्तों जब आएंगे तो आपको यहाँ पे रीजन चूज करना होगा यानी आप क्यों अपने बैंक अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अपने अनुसार चूज कर लेना है। उसके नीचे दोस्तों अगर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा यानी आप अपने क्रेडिट कार्ड को डीलिंकिंग करना चाहते हैं तो आपको अपना यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना होगा और आप अपने क्रेडिट कार्ड को दूसरे एग्जिस्टिंग यानी आप जो भी बैंक अकाउंट नया चेंज करेंगे उसके साथ लिंक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा और आपका यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर डालना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़े बहुत और कुछ इन्फॉर्मेशन भरने होंगे और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे। कस्टमर सिग्नेचर कंप्लीट करने के बाद अगर आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाता है उसके बाद आप इसे अपने ब्रांच में जाके सबमिट कर देंगे तो आपका बैंक अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं जा पाएंगे तो आप इसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसे कुरियर करवा सकते हैं, उसके बाद भी आपके बैंक अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। तो इसी तरह दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट किसी और बैंक में है, मान लीजिए एक्सिस बैंक में है, तो आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म एक्सिस बैंक यहां पे टाइप करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो पहला लिंक जो आपके सामने आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सेविंग या करेंट अकाउंट क्लोजर फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आपको इन सारे डिटेल को अच्छे से फिल कर लेना है कि अपने ब्रांच में जाके सबमिट करेंगे तो आपके एक्सिस बैंक से जुड़े अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट SBI बैंक में है तो आपको टाइप करना है अकाउंट क्लोजर फॉर्म SBI, उसके बाद आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप पहले लिंक पे यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेना है और आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाके इसे सबमिट करेंगे तो आपका जो अकाउंट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसे क्लोज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आपका बैंक किसी भी अकाउंट में है, आपको टाइप करना है अकाउंट क्लोजर फॉर्म, उसके बाद आपके बैंक का नाम होगा यानी कोई भी बैंक हो सकता है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक,
कोई भी बैंक हो दोस्तों, आपको वो टाइप करना है और आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म को आपको अच्छे से प्रिंट करके उस फॉर्म को भर लेना है। भरने के बाद आपको अपने ब्रांच में जाके उसे सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे दोस्तों, उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए होंगे दोस्तों तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए रेगुलर लेकर आता रहता हूँ। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।